अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बेहतरीन केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। केस क्या है? ये एक गोट है जिसको आप देख रहे हैं जो है स्नीजिंग कर रही है और नोज़ रबिंग कर रही है और हेड शेकिंग भी कर रही है और देखें ओपन माउथ ब्रीथिंग है। ये सारी ट्रीटमेंट क्या हमने डायग्नोसिस किया है, कैसे डायग्नोसिस किया है हमने, तो ये सारा ही आपको इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमें केस जो है शेयर किया है एक सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हैं डॉक्टर हाशिम खान हरिपुर हज़ारा से, जिसने हमें इसकी हिस्ट्री बताई कि लास्ट 1 मंथ से ये 3 से 4 मिनट तक जो है ये ओपन माउथ ब्रीथिंग और जो है स्नोरिंग करती है, आवाज़ नाक में से निकालती है और इनका खाना और पीना बिल्कुल नॉर्मल है। ये बकरी जो है 4 मंथ की प्रेग्नेंट भी है। ये आप देख रहे हैं ओपन माउथ ब्रीथिंग है, देखें ये अपने नाक से रेस्पिरेशन जो है सांस नहीं ले पा रही है, अपने माउथ से जो है वो सांस ले रही है। और ये देखें जो है डिस्कम्फर्ट भी अपने आप को फील कर रही है और टेम्परेचर भी इनका नॉर्मल है। तो डॉक्टर हाशिम साहब की ये मेहरबानी, हमसे ये डिस्कस किया तो हमने उसको जो ट्रीटमेंट है, क्या हमने इसको सस्पेक्टेड किया था और फिर हमने इनको ट्रीटमेंट बताई। जब वो नॉर्मल हो गई तो उन्होंने हमें फॉलोअप की वीडियो भी हमें शेयर की। तो अब आपको बताते हैं, ये मैंने जो सस्पेक्टेड किया था वो केस था नेज़ल बोर्ड्स का या नेज़ल पैरासाइट्स का या जो है इसको फॉल्स बोर्ड्स भी कहते हैं और सर्कलिंग डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये केस था नेज़ल बोर्ड्स का, वो सस्पेक्टेड करके हमने जो इसकी ट्रीटमेंट बताई, उस ट्रीटमेंट में जो था वो आइवरमेक्टन था। आइवरमेक्टन 1.5 ml हमने इसको लगवाया सबकट और 15 दिन के बाद रिपीट करवाया। अलबेंडाजोल जो सिरप आती है जोबिन फोर्ड के नाम से, वो 15 ml दिलवाई। 15 दिन के बाद जो है इसका बूस्टर डोज भी दिलवाया। उसके बाद जो है टाइलोसिन के हमने 3 दिन तक टाइलोसिन दिलवाई, 3 ml इंट्रामस्कुलर फॉर 3 डेज तक दिलवाई। जब ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद ये जानवर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो गया और अपने खाने पीने पे भी आ गया, कोई भी उसके बाद इसकी कंप्लेंट्स नहीं आई और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये सेट हो गया। ये आप देख रहे हैं ये खा रही है, अब इसकी जो ओपन माउथ ब्रीथिंग थी वो भी नॉर्मल हो गई है और उसके बाद इसकी कंप्लेन भी नहीं आई। तो कहने का मकसद ये नोज़ल बोर्ड्स की पैरासाइट की वजह से ये था और हमने जैसे ही ट्रीटमेंट की और उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।